कायस्थ समाज के कुल देवता चित्रगुप्त भगवान की पूजा प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन किया जाता है। चित्रगुप्त पूजा के दिन सोमवार को कायस्थ समाज के लोगों ने कलम दवात की पूजा को विधि व विधान से किया। बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में लोगों ने अपने कुल देवता चित्रगुप्त महाराज की पूजा आराधना की और उनकी आरती उतारी। गौरतलब है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी को उत्पन्न किया था। उनकी काया से उत्पन्न होने के कारण चित्रगुप्त जी कायस्थ भी कहे जाते हैं। उनका विवाह यमी से हुआ है, इस वजह से वे यम के बहनोई भी कहे जाते हैं। यम और यमी सूर्य देव की जुड़वां संतान है। यमी ही बाद में यमुना के स्वरूप में पृथ्वी पर आ गई और उसी दिन बहने और अपने भाई की दीर्घायु होने के लिए भैया दूज और गोवर्धन पूजा करती हैं। इस संबंध में गौरवपूर्णी से बात करते हुए चित्रगुप्त मंदिर सभा के अध्यक्ष अनुप कुमार श्रीवास्तव ने कहा, पत्रावली महापाया
अनूप कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष चित्रकूट मंदिर स्वामी, ये जिनके वंशज हैं हमारे इस भगवान चित्रकूट, उन्हीं का आज जीवनोत्सव कार्यक्रम है। अनादिकाल पहले जब सृष्टि की रचना हुई थी, यमराज भगवान चित्रगुप्त से आज ही के दिन अपने बहन यमुना के वहाँ जो भैया दूज मनाया जाता है, अपने बहन भगवान चित्रगुप्त से आराधना करके कहे, प्रभु एक दिन का मुझे छुट्टी दे जिससे कि मैं अपने बहन के वहाँ जाऊँ और अपने बहन का ये भैया दूज का कार्यक्रम करूँ। तो उसी को उसमें जब भगवान यमराज ने जब भगवान चित्रगुप्त की पूजा की, उसी दिन से पता चला रहा है कि भगवान चित्रगुप्त का पूजा किया जाता है।